एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अपनी बालकनी को डेकोरेट करके दिखाऊंगी, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इस बालकनी को डेकोरेट करने के लिए मैंने कैसे क्या यूज़ किया है, कैसे कैसे क्या छोटी छोटी चीज़ें घर की यूज़ करी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों के साथ अपनी बालकनी को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और एस्थेटिक लुक दिया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी बालकनी है, छोटी सी है, और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसको मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। सबसे पहले हम एक मैट बिछाएंगे। ये मैंने वाटरप्रूफ मैट बिछाया है, आप चाहे तो दरी बिछा सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर बिछाएंगे एक गद्दा, और गद्दा होना चाहिए हमेशा कॉटन का, रुई वाला गद्दा, क्योंकि वो इजीली फोल्ड हो सकता है, उसको आप कैसे भी फोल्ड करके बिछा सकते हैं। इसके बाद अपनी फेवरेट बेडशीट बिछाएं। अब ये देखिए, आप मैंने तीन कीले लगाई हैं दीवार पर, इनको मैं क्या करने वाली हूँ, ये दो मैंने दुपट्टे लिए हैं वाइट कलर के, इनके एंड्स को मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करके यहाँ पर लगाऊंगी और एक हट का लुक दूंगी। अब दुपट्टे के एंड को आप मैट्रेस के एंड में आप अच्छे से बांध लें, ताकि वो हिले डुले नहीं और वहाँ पे फिक्स रहे। इसके बाद आप अपनी फेवरेट कुशन कवर्स या फिर कितने भी कुशन आपको जितना मन करता है वो रखें। मैंने ये तीन कुशन रखे हैं, दो ज़्यादा डार्क रेड कलर के और एक थोड़ा सा वाइट से कलर का है, ऑफ वाइट। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो मैं इस पूरे लुक को वाइट, पिंक एंड रेड लुक देने वाली हूँ, और ये मेरे कुशन कवर्स यहाँ रेडी हो गए हैं। ये आए हैं लाइट्स, और लाइट्स अब हम इसमें लगाने वाले हैं। तो ये मेरी लाइट्स लग गई हैं और अब इसको चेक कर लेते हैं। टरा, ये मेरी मैट्रेस के आगे मैंने एक सॉफ्ट सा रग मैट रख लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ एक लकड़ी का पट्टा रखा है और उस पर मैंने अपने प्लांट्स रखे हैं छोटे छोटे। उसके बाद मैंने ये कैंडल होल्डर रखा है, ये दिवाली से मेरे पास रखा था और इसमें मैंने ये कैंडल लगा के रखी है। और मेरे पास कुछ दिवाली की और भी कैंडल्स हैं, तो वो कैंडल्स भी मैं यहाँ पे डेकोरेट करने वाली हूँ। कैंडल्स लगा ली हैं और उसके बाद ये जो मैंने लगाया है, ये मेरा नेक पीस है और इसको मैंने यहाँ पे प्लांट के पास डेकोरेट कर दिया है। इसके बाद ये कैंडल्स हैं जो मेरे पास, इनको मैं इस दीवार पर लगाने वाली हूँ, ताकि यहाँ भी खाली सा ना लगे और ये भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे जब मैं इनको चलाऊंगी रात में। तो इसके बाद ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स हैं और इन फ्लावर्स को मैं टेप की हेल्प से इस दीवार पर पूरे पे लगाने वाली हूँ। ओ यस, आई एम डन विद माय डेकोरेशन। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, सब कुछ रेडी है। आप लोग भी ऐसे थोड़े बहुत आइडियाज से अपनी बालकनी को अच्छे से डेकोरेट करें। आइए अब देखते हैं कि रात में ये कैसा लग रहा है। और ये देखिए, रात में ये कितना ज़्यादा प्रिटी लुक दे रहा है, जब इनमें लाइट्स जल गई हैं, कैंडल्स जल गई हैं, तो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा इसका एम्बियंस हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्यारी सेटिंग ही लग रही है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है। आप देखिए, मेरी कुशन कवर्स भी रेडी हैं, फ्लावर्स, लाइट्स, डेकोरेशन, प्लांट्स एंड एवरीथिंग विद कैंडल्स। यू कैन सी द कैंडल्स आल्सो। ओके, एंड नाउ आई विल शो द होल सेटअप। ये इजंट इट ब्यूटीफुल। आप लोगों को ये सेटअप अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये सेटअप अच्छा लगा है और अच्छा पसंद आया है, ये आइडियाज़ आप लोगों को पसंद आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।